यहाँ पर आप देखेंगे कि दिनांक 21/8/2023 को अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल मीटिंग का समीक्षात्मक बैठक की कार्रवाई किया गया, जिसमें विभिन्न यहाँ पर जो है विशेष योजना जो चलाया जा रहा है, विशेष निर्देश हो गया, इसके बाद यहाँ पर है पीएम एफएमई के बारे में, पीएमईजीपी के बारे में और ये स्टार्टअप के बारे में, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में, एमएसएमई के बारे में, बुनकर मुद्रा योजना के बारे में ये पूरे में चर्चा करने वाला हूँ। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है, BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है। तो चलिए बारी बारी से मैं एक एक को मैं आपको समझा रहा हूँ कि आखिर जो 21 अगस्त को क्या मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया, वो सारा चीज इसमें आपको मैं बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पे आप थंबनेल भी देखे होंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 21/8/2023 की समीक्षात्मक बैठक क्या निर्णय हुई, चुकना मत यानी देखना मत चुकना है, उपयोगिता प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि नहीं बढ़ेगा, तो किसका नहीं बढ़ेगा वो भी थोड़ा पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। मेनली मैंने आपको बताया था और ये जो किसी जो तकरीबन 7 से 8 जिले को महाप्रबंधक जो है उनको वेतन को रोक दिया गया है, तो क्या कटौती है वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसे विशेष निर्देश है, यहाँ पे विशेष निर्देश है कि जिला उद्योग केंद्र लखीसराय के बारे में बताया जा रहा है कि श्री उपेंद्र नाथ तिवारी कोई है तो उनका उद्योग विस्तार पदाधिकारी को PMFME योजना अंतर्गत कार्य की धीमी प्रगति के कारण निलंबन कर दिया गया है तथा श्री सभापति कुमार अर्थ अनवेंशन को स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया है। इनका क्या है कि पहले तो धीमी जो प्रगति है उसके कारण इनका निलंबन किया गया है। ये लखीसराय का आप उद्योग विस्तार पदाधिकारी है उपेंद्र नाथ तिवारी, इनको ऐसे ही बहुत सारा तकरीबन 7 से 8 जिला है उन लोगों का यहाँ पे निलंबन किया गया है। इस निलंबन की जो प्रक्रिया है इस पर आपकी क्या राय है वो आप बता सकते हैं। ये अब क्या है कि PMFME के बारे में बताया जा रहा है, कैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कैमूर जिला में भी यही हाल है, PMFME योजना अंतर्गत कैमूर जिला में कार्य धीमी प्रगति को लेकर वहां के उद्योग विस्तार पदाधिकारी को 7 दिन का वेतन काटते हुए स्पष्टीकरण का निर्देश दिया गया है। अभी आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके जिला में जो जिला उद्योग पदाधिकारी है उनका रवैया क्या है, उनके के साथ क्या किया जाए, आप उसके लिए क्या दंडित किया जाए वो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि PMFME योजना के अंतर्गत कैमूर जिला के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे कार्य धीमी है। अगर आप कैमूर जिला से हैं आप बता सकते हैं कि सही में वहाँ पे धीमी है नहीं है, क्योंकि समीक्षात्मक बैठक होता है उसमें पूरा यहाँ पे बताया गया है कि 7 दिन का वेतन उनका काट दिया गया है और फिलहाल अभी स्पष्टीकरण का निर्देश दिया गया है। इसके बाद है कि खगड़िया जिला से यही बातें निकल के आ रही है कि खगड़िया जिला में पदस्थापित श्री अमिताभ मिश्रा उद्योग विस्तार पदाधिकारी को उद्यम और जेड योजना में कार्य की धीमी प्रगति को लेकर 1 सप्ताह का वेतन की कटौती किया गया है। बाप रे बाप, यहाँ पर खगड़िया जिला में भी यही बात है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र बेतिया को लेकर के है, बेतिया में बुनकर मुद्रा योजना में धीमी प्रगति है, उनके लिए मात्र 3 दिन का वेतन को कटौती किया गया है। ऐसे ही अगला है आपका यहाँ पर देख सकते हैं महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मधुबनी जिला से बात निकल के आ रही है कि मधुबनी जिला को कार्य की धीमी प्रगति के कारण 3 दिन का वेतन कटौती किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मधुबनी जिला से है, आप कमेंट में बताए कि आप कमेंट आप मधुबनी जिला से है या नहीं है। इसके बाद है कि श्री राहुल कुमार उद्योग विस्तार पदाधिकारी जी है, आप यहाँ पे देखेंगे इनका भी जो पटना का है और इसमें क्या है कि जिला उद्योग केंद्र पटना का है, राहुल जी उद्योग विस्तार पदाधिकारी है और श्री अवधेश कुमार अनवेंशन जिला उद्योग केंद्र पटना के कार्य की धीमी प्रगति को लेकर स्पष्टीकरण का निर्देश दिया गया है। इनको स्पष्टीकरण भाई देगा कि भाई क्यों ऐसा हुआ है, क्यों धीमी है, आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद है कि जिला उद्योग केंद्र भोजपुर के बारे में बताया जा रहा है
यहाँ पे देख सकते हैं जिला उद्योग केंद्र भोजपुर। तो भोजपुर से बात निकल के आ रही है कि सभी उद्योग विस्तार पदाधिकारी को स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजेंद्र प्रसाद उद्योग विस्तार पदाधिकारी जिला उद्योग केंद्र पूर्णिया, पूर्णिया को भी यही बातें बताई जा रही है कि धीमी प्रगति एवं गलत जानकारी देने के कारण स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे जिला उद्योग केंद्र शिवहर में पदस्थापित सभी उद्योग विस्तार पदाधिकारी को यहाँ पे बताया गया है कि धीमी प्रगति के कारण उनका 3 दिन का वेतन कटौती करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे ही आप जिला उद्योग केंद्र औरंगाबाद के भी देखेंगे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि तकरीबन 7 से 10 जिला है, उनके जो जिला उद्योग विस्तार पदाधिकारी हो चाहे GM हो, तो सभी का कार्रवाई किया गया है। अब देखिएगा ऐसे होने से आपको क्या, मेरे इसको तो ये ठीक है भाई, ऐसा होना चाहिए क्योंकि इतना धीमी है भाई। आप भी देख सकते हैं कि 1 साल की जो योजना है उसको तकरीबन 1.5 से 2 साल ले जा रहा है, तो ऐसे में बहुत धीमा है ना। तो धीमा प्रगति के कारण ऐसे उद्योग विस्तार पदाधिकारी के साथ आप 3 दिन का वेतन, किसी का 1 दिन का वेतन, इनका देखेंगे औरंगाबाद वाले का 1 दिन का वेतन यहाँ पे काटा गया है, 1 दिन का वेतन यहाँ पे काटा गया है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि आप यहाँ पे आ जाएं तो देखेंगे PM FEMI के लेकर के क्या रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ PM FEMI के बारे में। तो इसमें क्या है कि PM FEMI योजना में अगर आप PM FEMI योजना के लाभान्वित लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बता दूं कि PM FEMI योजना में असंतोषजनक प्रगति के लिए लखीसराय के प्रभारी महाप्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को पत्र लिखा गया है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि PM FEMI योजना में असंतोष प्रगति के कारण 5 जिला, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो 5 जिला है उनका बताया गया है। 5 जिला में आपका कौन कौन से हैं वो देखेंगे। 5 जिला में यहाँ पे लखीसराय हो गया, पटना, पूर्णिया, भोजपुर, कैमूर के महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया है। PM FEMI योजना बहुत धीमी है और जो जितना जो होना चाहिए उतना प्रगति नहीं है, तो असंतोषजनक बताया गया। ये 5 जो जिला है यहाँ पे स्पष्टीकरण मांगा गया है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे जिन जिलों में किसी बैंक विशेष या शाखा विशेष द्वारा PM FEMI ऋण देने में असहयोगतात्मक व्यवहार किया जाता है, अगर हो सकता है कि आपके आप अपने जिला से आप बताएं, जैसे PM FEMI हो गया या PM GP लोन हो गया, तो बहुत सारे लोग कमेंट में बताते रहते हैं कि सर मैं क्या कहूँ, मैंने तो अप्लाई किया था PM FEMI में या PM GP में, लेकिन बैंक प्रबंधक है ना वो बार बार मेरा फॉर्म को रिजेक्ट कर दे रहा है, तो इस परिस्थिति में क्या किया जाए। तो वहां पे ये बताया गया है कि अगर ऐसा है तो ये ऐसा सूचना जो है ना कोई बैंक विशेष है या शाखा विशेष है द्वारा PM FEMI ऋण देने में असहयोगात्मक है व्यवहार करता है, यानी कि PM FEMI ऋण नहीं दे पाता है, उसकी सूची विभाग को देना है ताकि विभाग अपने स्तर से बैंक के साथ उनके क्षेत्रीय प्रबंधकों के माध्यम से संपर्क स्थापित कर सके। इस हेतु बैंक शाखा एवं शाखा प्रबंधक का नाम, आवेदक के नाम, मोबाइल नंबर सही सूचित करेंगे। अगर आपको भी ऐसा है तो पहले PM FEMI हो या PM GP लोन है आपने अप्लाई किया, उसके बाद अगर रिजेक्ट कर देता है तो उद्योग डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, नहीं तो उद्योग डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर आप मेल कर दीजिए अपना। यहाँ पे देखिए आप अपने जिला को जिस बैंक में आप दिए होंगे उसके बैंक शाखा का नाम दे दीजिए, शाखा प्रबंधक का नाम दे दीजिए, आवेदक का नाम दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, आप अपने स्तर से भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ये बात जा करके आप अपने जिला उद्योग केंद्र में कहेंगे सर मुझे मैंने अप्लाई किया था और बैंक रिजेक्ट कर देता है, तो जिला उद्योग केंद्र आपको डिपार्टमेंट को भेजेगा, तब उस पर कार्रवाई किया जाएगा। इसके बाद है कि इस योजना की सफलता के लिए बैंकों की प्रत्येक शाखा में जाकर दिसंबर 2023 तक 100% उपलब्धि सुनिश्चित करें। ऐसे ही आपको मैं बता दूं कि PM GP लोन के लिए क्या बातें आ रही है, PM GP लोन आप लोग क्या परेशानी आ रही है थोड़ा कमेंट में बताइएगा। इसमें है कि सभी जिला उद्योग केंद्र जैसे PM GP का रिपोर्ट बैंक शाखावार पूर्व में उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में प्रतिदिन अध्ययन करते रहेंगे ताकि निदेशालय से
जब भी मांगा जाए उसे उसी दिन उपलब्ध करा दिया जाए। इसके बाद है यहाँ पे बताया गया है कि पीएमजीपी योजना का प्रखंड वार एवं शाखा वार प्रगति के लिए बैठक कराकर उस प्रखंड एवं बैंक से संबंधित जो भी कठिनाई है उसको हल करना है। इसके बाद है कि अभी तक पीएमजीपी के जितने भी आवेदन स्वीकृत हुए हैं उनको 15 दिन के अंदर ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण करवाकर भुगतान करने की कार्रवाई किया जाए। तो जो पीएमजीपी लोन वाले हैं तो उनको लिए तो पहले क्या करना होगा, आप अपने अप्लाई किए हों वो स्वीकृत होगा, स्वीकृत करने के बाद आपको पेमेंट वैसे ही नहीं भेजेगा, पहले तो आपको ईडीपी ट्रेनिंग किया जाएगा और ईडीपी ट्रेनिंग कराने के बाद आपका प्रशिक्षण होगा, उसके बाद ही आपको भुगतान किया जाएगा। वैसे ही यहाँ पे है कि पीएमजीपी जो स्वीकृति है या भुगतान संबंधी जो भी बैंक शाखा से समस्या है उसको चिन्हित करना है, महाप्रबंधक शाखा का नाम देना है, मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराएंगे ताकि विभागीय स्तर से प्रमुख बैंकों के बैठक में समस्या का निराकरण किया जाएगा। स्टार्टअप जो फंड है उसके बारे में बताया गया है कि अगर जिन जिला उद्योग जिलों में स्टार्टअप सेल गठन नहीं हुआ है उस जिले के महाप्रबंधक कॉलेज महाविद्यालय का चयन कर स्टार्टअप सेल के गठन हेतु उद्योग निदेशालय को प्राथमिकता के आधार पर संतुष्टि भेजें। ऐसे ही अब आ जाइए, आपको इंतजार होगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से रिलेटेड क्या बात आई है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में चयनित लाभुकों को उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का अंतिम तिथि अभी तक कितना है, 31 अगस्त 2023, यानी आज ही का दिन है। अब इसमें क्या बताया गया है कि ये जो अंतिम तिथि है ना इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो ये बहुत ही अहम निर्णय है। अब इसमें क्या है कि जो वित्तीय अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में चयनित लाभुकों को उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 के बाद तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद है कि यहाँ पे देखा जाए तो इकाइयों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा और 2021-22 वाले जितने भाई हैं उनका पहले तो जो यूनिट आपका है उसका फिजिकल भौतिक सत्यापन पहले वहां पे होगा। जिला महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र एवं उद्योग विस्तार पदाधिकारी प्रत्येक माह सत्यापन करेंगे और ये जो सत्यापन होगा ना भौतिक सत्यापन उद्योग विस्तार पदाधिकारी और जिला उद्योग केंद्र को जिम्मा दिया गया है कि प्रत्येक महीने किया जाएगा, यहाँ पर प्रत्येक माह सत्यापन किया जाएगा। ऐसे ही आपका 2022-23 वाले के लिए बताया गया है 2022-23 तक के लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान नियमानुसार जांच करते हुए शीघ्र किया जाए। ये भी बताया गया है कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये बताया है 2021-22 वाले का तो जो उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का अंतिम तिथि वो नहीं बैठेगा, प्लस में बताया गया है कि 2022-23 वाले का जिनका भुगतान अभी नहीं हुआ है तो पहले आप पहले देखिए कि जो लोग उपयोगिता प्रमाण पत्र जैसे अपलोड करेंगे उसे ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग के बाद उनका भौतिक सत्यापन होगा, सत्यापन के बाद आपको नियमानुसार जैसे जैसे है वैसे वैसे आपका पेमेंट होता जाएगा। तो पेमेंट यथाशीघ्र जितना जल्द हो सके उतना जल्द किया जाए वो बताया है। और एमएसएमई के बारे में बताया गया है कि अगर मान लेते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, चाहे पीएमजीपी लोन हो, चाहे पीएमएफएमई हो, चाहे एसआईपीबी हो, तो जितने भी लाभुक है वो सभी को जो है जेड सर्टिफिकेट करवाना होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिलवाना सुनिश्चित करें। उद्यम रजिस्ट्रेशन जेड जो सर्टिफिकेट है उसको हर हाल में पूरा करना है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिएगा तो आपको बेनिफिट आएगा। और प्लस में जेड जो सर्टिफिकेट है उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। इसके बाद है कि बुनकर मुद्रा योजना के अधिक से अधिक बुनकर करों के ऋण आवेदन SLBC पोर्टल पर अपलोड करें तथा बैंकों से संबंध में स्थापित करना होगा बुनकर मुद्रा योजना में। इसके बाद ऋण की स्वीकृति करें, भुगतान प्रगति लाएं, सभी मामलों को पीएनबी पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि बुनकरों को योजना अंतर्गत मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान का लाभ मिल सके। तो ये तमाम बातें यहाँ पे निकल के आई है। आपका इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं।
नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी ऑल्टी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।